गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे PA1 के जो एग्ज़ाम हैं वो ख़त्म हो गए हैं और अब हम SA1 का जो सिलेबस है क्या कहते हैं उसको, जैसे 4 चैप्टर से लेकर 8 तक 4 चैप्टर हमारे जो है हिंदी रीडर परफेक्ट कोर्स के आएंगे। और जो है हम आज हिंदी रीडर का पाठ 4 गुरु दक्षिणा रीड करेंगे। गुरु दक्षिणा का अर्थ है शिष्य के द्वारा गुरु से शिक्षा लेने के बाद जो उन्हें उपहार दिया जाता है उसे हम गुरु दक्षिणा कहते हैं। ये पाठ जो है स्वामी दयानंद जी के बारे में है, जिन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने बहुत से ऐसे समाज कल्याण के कार्य किए थे जो है जिससे हमारे देश का या समाज का उद्धार हुआ था। तो गुरु दक्षिणा का अर्थ है कि गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार व उसकी सही उपयोग कर जन कल्याण में लगाएं, उसका सही उपयोग कर जन कल्याण में लगाएं, यानी जो शिक्षा एवं ज्ञान का हमें प्रचार प्रसार कर उसका सही उपयोग कर जन कल्याण में लगाना चाहिए। मूलतः गुरु दक्षिणा का तात्पर्य शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में भी लिया जाता है। अतः हमें गुरु के प्रति सम्मान व समर्पण का भाव रखना चाहिए। मूल शंकर का जन्म, मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम है, सन 1824 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करसनलाल त्रिवेदी था। करसनलाल जी का परिवार खूब संपन्न यानी बहुत धन धान्य था, धन धान्य से परिपूर्ण था। उन्होंने मूल शंकर की शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया। मूल शंकर अपनी बहन की मृत्यु से बहुत दुखी रहते थे क्योंकि जब वह 16 वर्ष के थे तब उनकी 14 वर्षीय छोटी बहन की अकाल मृत्यु यानी अचानक मृत्यु हो गई थी। एक दिन उनके पिता ने उनके दुखी होने का कारण जानना चाहा। पिता, बेटा मूल शंकर, तुम इतना उदास क्यों रहते हो? मूल शंकर, अब जिसका नाम होता है वही इस बात को कहता है, तो ये पिता कह रहे हैं कि बेटा मूल शंकर तुम इतना उदास क्यों रहते हो। अब मूल शंकर क्या जवाब देता है, पिताजी जब से मैंने अपनी बहन की मृत्यु देखी है मुझे इस संसार की किसी वस्तु में रुचि नहीं रही, मेरा मन इस संसार के दुखों से छुटकारा पाने का हल ढूंढना चाहता है। पिता, बेटा यह तो संसार का नियम है, जो इस दुनिया से आया है, इस दुनिया में आया है उसे एक दिन अवश्य जाना है। इन बातों को लेकर तुम इतनी गहराई से सोच विचार क्यों कर रहे हो? मूल शंकर, नहीं पिताजी, हर समस्या का हल होता है, मैं संसार के दुखों का हल ढूंढ कर ही रहूंगा। मूल शंकर जो स्वामी दयानंद हैं सच्चे गुरु की तलाश में चल देते हैं। वे मूल शंकर के रास्ते में उन्हें पूर्णानंद सरस्वती नामक एक महात्मा मिलते हैं। वे मूल शंकर के विचारों से प्रभावित होकर उनका नाम दयानंद सरस्वती रख देते हैं। इसके पश्चात वह गुरु विरजानंद जी से मिलते हैं। गुरुजी ने उन्हें सत्य का ज्ञान कराया, सांसारिक दुखों का हल बताया, यानी उन सांसारिक दुखों का क्या हल है, क्या उपाय है ये बताया। गुरुजी के साथ रहते हुए 2.5 वर्ष बीत गए, उन्होंने गुरुजी से बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया। अब विदाई का अवसर आ गया था। गुरुजी, जैसा सुना था कि आप दयानंद जी क्या कहते हैं, गुरुजी जैसा सुना था कि आप जैसा महान ज्ञानी व संत मिलना परम सौभाग्य की बात है। आपसे मिलकर यह सत्य साबित हुआ, आपने यानी आपसे मिलकर यह सत्य सिद्ध हो गया कि आप जैसा गुरु मिलना परम सौभाग्य की बात है।
आपने मुझे वेदों का सच्चा ज्ञान कराया, सत्य का मार्ग दिखाया व सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय भी बताए। मैं आपका आभारी हूँ, यानी इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने समस्त श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरु जी के समक्ष दक्षिणा के रूप में कुछ लौंग प्रस्तुत की। गुरु जी उसे अस्वीकार करते हुए बोले, विरजानंद जो स्वामी थे, वत्स यह परंपरा रही है कि गुरु शिष्य से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यानी बाद में उन्हें कुछ भेंट देते हैं, परंतु मुझे कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, बल्कि भेंट में तुमसे एक वचन चाहिए। दयानंद, गुरुदेव आज्ञा करें, मैं अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपने प्राण भी आपके श्री चरणों में अर्पित करने को तैयार हूँ। आप कहकर तो देखिए, बस यहाँ तक बेटा आपको ये चैप्टर रीड करना है और जो है इसका बार बार अभ्यास करना है रीड करने का। धन्यवाद।